अस्सलाम वालेकुम आज के बताएंगे अगर आपने बिजनेस ट्रैवलिंग करनी शर्ट और टी शर्ट अपने साथ लेकर जानी है। अगर आप बिजनेस ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं गर्मी वाले मुख पर जाने आपने कह दी शर्ट और टी शर्ट अपने साथ लेकर जानी आज की वीडियो बताएंगे। आज की वीडियो से आपको बताएंगे अगर आप किसी गर्मी वाले मुल्क में लेकर जा रहे हैं तो कैसी आप शर्ट और टी शर्ट लेकर जाएंगे। हाँ जी आज की वीडियो से आपको बताएंगे तो वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पता लग जाए अपनी गर्मियों में कैसी शर्ट और टी शर्ट अपने साथ लेकर जानी है। गर्मी वाले मुल्क में जाए तो कैसी शर्ट और टी शर्ट लेकर जानी है, बहुत शफल लेकर जानी है, ये भी बताएंगे। वीडियो पूरी देखें आज की वीडियो बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो पूरी देखने का पता लग जाए आपने कैसे शर्ट और टी शर्ट में साथ लेकर जानी है। हाँ जी बताते हैं गर्मियाँ है तो कौन शफल लेकर जाएंगे, गर्मियाँ है तो आपने कॉटन की शफली शर्ट और टी शर्ट लेकर जानी अपने साथ। अगर जी वहाँ पर सर्दियाँ हैं तो आपने गर्म जैकेट और साथ अपने और नीचे पहने के लिए गर्म कपड़े और शर्ट शर्ट लेके जानी है जो वूल फ्री होती है, नीचे वूल लगा था उसके कॉटन का कपड़ा लगा था। हाँ जी अभी शुरू कर देते खाना आपको। हाँ जी शुरू करते हैं कॉटन टी शर्ट देखा जी, कॉटन की टी शर्ट है, ये काफ़ी अच्छी टी शर्ट है देखा जी, फौजी वाली कॉटन की टी शर्ट है इसका देखा जी, बड़ा अच्छा कपड़ा वाला कॉटन की टी शर्ट है, काफ़ी अच्छा शॉप है इसका। ये तो ये महंगी वाली है जी, इस तरह की मिलती है, इस तरह की भी लेकर जाए थोड़ी हल्की वाली दिखाऊंगा, वो भी लेकर जाए उसमें आपको थोड़ा पतला कपड़ा आता है, कॉटन में बहुत सी किस्मत ही होता है हल्का वाला कॉटन होता है, वो भी लेके जाए उसमें मेरे को बहुत कपड़ा मिल दो लेके जाए कम दोनों में कम कट भी लगेगी। आपको हाफ स्लीव शर्ट भी दिखाते हैं आपको, ये देखा जी कॉटन की हाफ स्लीव टी शर्ट है, कॉटन की हाफ स्लीव शर्ट देखिए, ये भी लेकर ट्रैवलिंग के लिए देखिए, कॉटन की हाफ स्लीव शर्ट है, काफ़ी अच्छा कपड़ा है इसका देखे नहीं, ये कॉटन की हाफ स्लीव शर्ट है। अब आपको बताया था हल्के कपड़े वाले जब अगर गया था हल्के कपड़े वाले लेके जाए तो उसमें थोड़ा पतली होती है, थोड़ी भी कम लगेगी देखिए हल्के कपड़े वाले सस्ती है। हाँ जी अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे पहले कैमरा बड़ा सुधवा दें ताकि मेरा सारा ब्लॉग तो पहुँचते रहे। ओके अल्लाह हाफिज़।